अब सपोज करो आपके पास एक वायर में ऑल्टरनेटिंग करंट है। मैंने कहा ठीक है, एक स्टूडेंट आया और उसने मुझसे पूछा कि भाई ये वायर है इसमें कौन सा करंट है, डैम से कौन सी बिजली आती है। मैंने कहा जी ऑल्टरनेटिंग आती है। वो स्टूडेंट बोलता है कि ये क्या होती है। मैंने कहा देख ऐसा होता है कि पहले करंट 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 इधर बढ़ता है, फिर इधर बढ़ता है 0 से 5 से 0, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। वो कहता अच्छा एक बात बताओ इस वायर में करंट कितना है। मैंने कहा करंट कितना है, यही तो बता रहा हूँ कि करंट की वैल्यू 0 सेकंड पे 0 था, 0.1 सेकंड पे 0.1 एम्पियर है, 0.2 सेकंड पे 0.2 एम्पियर है, 1 सेकंड पे 1 एम्पियर है, फिर 2 एम्पियर है, फिर 3 एम्पियर है, फिर 5 एम्पियर है, फिर 4 एम्पियर है, फिर 2 एम्पियर है, फिर 0, फिर इधर 1 2 3। ये कह रहे आपने कथा ही सुनानी शुरू कर दी यार। मैंने तो आपसे ये पूछा है यार इस वायर में करंट कितना है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। वो कहता है देखो जब मेरे घर बिजली वाला आता है मैं पूछता हूँ उससे भी करंट कितना है। वो एक मीटर सा निकालता है, वो वायर बीच में फंसाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट लगाता है और करंट आ जाता है 2 एम्पियर। क्या वो एसी नहीं होता। हाँ मैंने कहा एसी होता है। फिर कहते ये क्या चक्कर है। वो बंदा तो कह रहा है 2 एम्पियर और आप पूरी कहानी सुनाए जा रहे हो इंस्टेंटेनियस। तो मैंने कहा देख ये तो वही बात हो गई कि मैंने जैसे पूछा कि चल एक मैच तूने देखा इंडिया का, तो मैच कैसा रहा। तो तूने मुझे बताया 0 पहली बॉल के ऊपर तो कोई रन लगा नहीं, दूसरी बॉल के ऊपर तो चौका लग गया, तीसरी बॉल के ऊपर तो उसने कुछ किया ही नहीं, फिर विकेट उड़ गई, फिर 7 8 बॉल उसने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद 9 बॉल होगी। मैंने कहा तो ऐसे मैच सुनाएगा तो फिर क्या सुनाएगा। वो कहेगा जी एवरेज 6 की है। तो यानी कि जो काम इंस्टेंटेनियस रन्स कर रहे हैं और पूरी कहानी सुनने की बजाय उसे एक वर्ड में क्या सुनना है एवरेज कितनी है, तो एवरेज से सारी कहानी क्लियर हो जाती है कि मैच में कितने रन बने होंगे। बिल्कुल वैसे हम हर घड़ी घड़ी करंट को मेजर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार करंट चेंज भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम बता सकें इस वायर में कितना करंट है, 2 या 3 या 4 एम्पियर करंट है। हम इंस्टेंटेनियस में काम कर ही नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। हर चीज में इंटीग्रेशन लगानी पड़ जाएगी इंस्टेंटेनियस में, क्योंकि टाइम के साथ करंट क्या करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। सही है। उसने कहा एग्री, ठीक है तो कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो मैंने कहा देख ऐसे निकालेंगे, ये एक साइकिल है 0 से T का, इसमें मान लेते हैं करंट की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 है, -5 है, -4 है, 0 है। इमेजिन कर लो जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतनी नेगेटिव वैल्यूज। तो उसने कहा कि एवरेज क्या होगा। मैंने कहा देख सभी को ऐड कर दे। जैसे ही मैंने बोला सभी को ऐड कर दे, ऐड करके आंसर क्या आया, 0। क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो फिर मैं क्या बोलूं लोगों को कि भाई इस वायर को आराम से जाके टच कर दो, इसमें 0 करंट है। ये लोग मर जाएंगे ये कह के, तो कि मतलब करंट 0 से 5 एम्पियर चेंज हो रहा है और एवरेज क्या आ रही है, 0। गलत हो गया। तो ये डिसाइड हुआ मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कभी भी कंप्लीट साइकिल पे नहीं निकालना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल कर जाएंगी। तो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल पे निकलेगा, या तो अपर हाफ में या लोअर हाफ में, ताकि वैल्यूज कैंसिल ना हो। तो पहला पॉइंट क्लियर है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल पे कैलकुलेट की जाती है, फुल पे कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो हाफ साइकिल पे 0 से T/2। अब एवरेज वैल्यू होती क्या ये समझ लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज करंट क्या, मीन करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज निकलेगा कैसे, देखो जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। अब प्रॉब्लम ये है मैं ये लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि करंट इंस्टेंटेनियसली अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। तो मेरे को पहले स्मॉल करंट निकालना पड़ेगा, कैसे, आए dt। और टोटल करंट निकालने के लिए मुझे दोनों साइड की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो टोटल करंट की जगह मैंने क्या लिखा, समझ में आ रहा है, IdT, क्योंकि IdT की इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, टोटल करंट देगा। और लिमिट क्या लगानी है, टाइम की 0 से T/2। तो टोटल करंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं 0 से T/2 तक, तो आपके पास एवरेज करंट आ जाएगा। अब मैथ वालों को तो मज़ा ही आ गया क्योंकि करंट इंस्टेंटेनियसली क्या है, I=I0 sin ωt। वो इस I को यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन तो T/2 है, I0 बाहर आ गया, साइन की इंटीग्रेशन मैथ्स में -cos ωt है,
डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा 0 से टी बाई टू, माइनस बाहर आ गया, आई नॉट बाहर आ गया, टी बाई टू का टू बाई टी कर दिया, ओमेगा बाहर आ गया, स्मॉल टी की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट दोनों को माइनस कर लिया, ओमेगा को लिख लिया 2 पाई बाय कैपिटल टी इधर भी और इधर भी, टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कॉस पाई बच गया, सब कैंसिल कर लिया, कॉस पाई मैथ्स में माइनस वन है, माइनस वन माइनस वन माइनस करके 2 आ गया, ये वैल्यू नोट करो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 2 बाय पाई टाइम्स आई नॉट है, फिर आई नॉट इज मैक्सिमम करंट, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 0.637 इसकी वैल्यू आएगी, ये पहला फॉर्मूला है। एनसीईआरटी के अंदर मैंने ये डेरिवेशन आती देखी नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है और मेडिकल के बच्चे भी अपेयर होते हैं, पर मैं कह नहीं सकता आएगी नहीं आएगी, मैंने करवा दी पर वैसे प्रॉबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका करंट ये देखो चेंज हो रहा है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है आई नॉट, तो इस साइकिल में यहां से यहां तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, आई नॉट को किससे मल्टीप्लाई करें 0.637, यानी कि 5 को 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एवरेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। तो जो भी साइकिल का मैक्सिमम करंट है उसको 2/π से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी एवरेज आ जाएगी। कैसे निकलेगी एवरेज, क्लियर है यहां तक? तो ये पहला फॉर्मूला है, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में बिल्कुल सेम है, आपने इस फॉर्मूले में एवरेज के फॉर्मूले में आई डी टी की जगह ई डी टी कर देना है, बस आई डी टी की जगह ई डी टी, क्योंकि ईएमएफ निकल रही है तो ई की जगह क्या पुट करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पुट किया ऊपर, पूरी डेरिवेशन कॉपी है, जहां जहां आई नॉट है वहां ई नॉट है, बस सेम रिजल्ट है, रिजल्ट भी सेम है, लिख लो 2 बाय पाई टाइम्स आई नॉट की जगह ई नॉट है और 0.637 इंटू ई नॉट है, ये लिख लो फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन है। मैं बोल रहा था मेडिकल वालों को तो फायदा है, एक स्टेप याद किया बाकी तो बनी गया अपने आप ही, नॉन मेडिकल वालों को ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक वैसे ज़्यादातर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होते हैं, बस इतनी सी बात है।